सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर क्रिकेट 24 माय करियर मोड एपिसोड नंबर 18। आज है 18 नंबर का एपिसोड भाई, विराट कोहली के नंबर का एपिसोड है आज। पंजाब के सामने हमारा मैच है, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के मैच को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैच स्टार्ट हो चुका है, पंजाब के होम ग्राउंड पे ये मैच रहेगा और पंजाब की टीम में से सिद्धार्थ कौल और दूसरा और गुरकीरत सिंह मान, हाँ दो फेमस प्लेयर हैं। चलिए भाई टॉस टाइम हो चुका है, कमॉन कमॉन, टॉस जीत के पहली बॉलिंग लेनी चाहिए क्योंकि डेड विकेट हैं। सौराष्ट्र वंदर टॉस भाई, हम लोग जब भी टॉस जीते हैं तब हम लोग मैच हारे हैं। बॉलिंग चुनी है हमारे कैप्टन ने, इस बार मैच को जीतना है हमें, ठीक है। ओके, अभी हमारे कैप्टन ने हमें नए बॉल से बॉलिंग दी है, चार ओवर के बाद में, चार मैच पाँच विकेट, चार ओवर 18 रन 0 विकेट। एज एंड चौका पहली बॉल पे, वाओ। अभी हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है गाइस। पहला बॉल मैंने बहुत सही डाला था, इस बार हम लोग आफ्टर टच को अंदर रखेंगे। एंड इस बॉल पे भी चौका भाई, पहले दो बॉल पे दो चौके मारे संत ने। एंड फाइनली एक डॉट भाई, अभी तक मैंने सारी बॉल आउट स्विंगर ही डाली है, ये थी इन स्विंगर, बट इस बार भी हाथ में। पहले ओवर की आखिरी बॉल, लेट्स सी। ओके यार, इस बार फ्लिक खेल के चौका, इस ओवर में तीन चौके मारे हमें ये शांत ने। पहले ओवर में से हमने दिया 12 रन। ओके 37 पे एक विकेट हो चुकी है, अभी हमारा दूसरा ओवर भी हमें मिल चुका है, हमारे पार्टनर ने एक विकेट ली है। तो भाई अभी तक हमें इस विकेट पे बहुत ज़्यादा स्विंग देखने को मिला नहीं है, तो अभी ऑफ कटर डालिए। एंड ये डॉट, अभी हम क्या करेंगे, दो ऑफ कटर और दो लेग कटर, ठीक है। एक ऑफ कटर एक बार फिर से, एंड अगेन डॉट। सो भाई तीन ओवर का मैंने स्पेल डाला था, उसमें 13 रन दिए थे और एक मेडन भी डाली थी, उसके बाद मैं स्पेल काट लिया। अभी स्मिथ के सामने मेरी बॉलिंग आ चुकी है 25th ओवर पे। पहली बॉल पे सिंगल, गुरकीरत सिंह मान को एक बाउंसर डाल के टेस्ट करते हैं। नहीं यार, इसने सही खेल दिया, सिंगल मिल गया। अभी जो ये ए स्मिथ स्ट्राइक पे है वो स्टीव स्मिथ नहीं है भाई, कोई और ही स्मिथ है, ठीक है। ओके डॉट बॉल, इंडियन स्मिथ ने अभी तक सभी बॉल डॉट खेली थी, आखिरी बॉल भी डॉट। इस ओवर में भी ओनली 1 रन दिया मैंने। ओके एक बार फिर से हमें बॉलिंग मिल चुकी है, चार ओवर पे 15 रन, विकेट नहीं मिली है गाइस। विकेट की हमने बात की ही और बच गया ये, आउटसाइड एज भी लग सकती थी या फिर इनसाइड एज भी। ये देखो भाई, बाउंस कुछ ज़्यादा ही हुआ, ग्लोव्स पे भी लग सकती थी। स्मिथ को हम कवर ड्राइव ही खिलाते रहेंगे, ठीक है, वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा है। कोई बात नहीं, चौका मिला है, एक बार फिर से वही बॉल डालते हैं, आउट स्विंगर ही रखी है फुल लेंथ की, बॉल की स्पीड रहेगी नॉर्मल। ओके खेल दिया यहाँ पे, पांच ओवर एक मेडन 21 रन, और अभी स्मिथ आउट हो चुका है, सैन आ चुका है कोई। चलिए 148 पे चार विकेट। ओके बहुत सही बॉलिंग, वैसे गाइस गुरकीरत सिंह मान की 50 हो चुकी है, 54 रन पे है वो अभी। शॉट और चौका भाई। ओके नाइस बॉल, गुरकीरत सिंह मान मिडल स्टंप वाली बॉल नहीं खेल पाया था, लेट्स सी। ओके एक बार फिर से बीट हुआ है, विकेट पे बाउंस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, कम ऑन लेट्स सी। ओ भाई भाई भाई, व्हाट अ बॉल ब्रो, हल्का सा ही ये बचाए, क्या ही शानदार बॉल थी भाई। एक बार फिर से वही बॉल डालते, क्या पता विकेट मिल जाए हमें, लेट्स सी क्या होता है। यार सही शॉट खेल दिया, चौका मार दिया। ओके नाइस बॉल ब्रो, नहीं खेल पाया ये बाउंसर भाई, एक बाउंसर के बाद में सीधा यॉर्कर डाले गए तो कैसा रहेगा, लेट्स सी भाई, देख लेते। अबे यार नहीं यार, इस बार अच्छे से खेल दिया, चौका मार दिया। आठवें ओवर की आखिरी बॉल है, लेट्स सी भाई, लेग कटर है एंड डॉट बॉल। नौवा ओवर भी मिल गया हमें, 8 ओवर पे 39 रन दिए और अभी 186 पे 5 विकेट है। सैन जो खेल रहा था वो आउट हो गया एंड गुरकीरत सिंह मान अभी तक 74 रन पे खेल रहे हैं, 40 ओवर के बाद में 197 पे 5। नाइस नाइस नाइस, क्या ये मैच विकेट लेस जा सकता है, आखिरी तीन बॉल है और इस बार सिंगल मिल जाएगा,
लेट्स सी आखिरी दो बॉल पे क्या होता है भाई। अभी एक विकेट तो मिलनी चाहिए हमें, विकेट लेस जाऊँ ये नहीं चलेगा। लग तो यही रहा है कि मैं विकेट लेस ही जाऊँगा। चलो भाई लास्ट बॉल, क्या मैं विकेट लेस जा सकता हूँ? लेट्स सी। ओके वाइड थी ये, एक बार फिर से हमारे पास में चांस है। शायद भगवान ने हमें विकेट लेने के लिए ही वाइड डलवाया था। लेट्स सी। नहीं नहीं ऐसा नहीं था भाई, सिंगल चुराने के लिए वाइड डलवाया था। 10 ओवर पे मैंने 46 रन दिए पर विकेट नहीं मिली। इकोनॉमी तो बहुत सही थी बट विकेट ही नहीं मिली। देखते हैं अभी हमें बैटिंग कब मिलती है। सही खेला है यार पंजाब, बहुत जल्दी बैटिंग मिल गई हमें 29 पे 3 विकेट गिरने के बाद में। एक बार फिर से मुझे ही पूरी टीम को लेके जाना होगा। एच ब्राउन है सामने, लेट्स सी। रेंदो वेंस और मैं दोनों ही नए बैट्समैन हैं। चलो भाई पहला रन बना लिया है मैंने इस मैच का सिंगल के साथ में। साहा आ गया अभी, शॉट चौका नहीं मिलेगा, डबल ही मिलेगा। लास्ट एपिसोड में मैं बहुत ही स्लो खेला था, देखना होगा अभी इस बार। चल भाई इस बार तो चौका मिल जा। नहीं मिलेगा भाई, 3 रन तो मिल जा प्लीज़। ओके नाइस, साहा का कॉन्फिडेंस रेड है तो हम इसको थोड़ा अटैक कर सकते हैं, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया शॉट, थोड़ा चांस लिया और चौका मर दिया यहाँ पे। क्या हमें एक बार फिर से चौका मिलेगा? लेट्स सी। नहीं यार बॉल बहुत सही डाली थी इसलिए मैंने लॉफ्टेड नहीं खेला। ये क्या नाम है भाई, मैकेंजी? मैकेंजी पंजाब में मैकेंजी, कैसे कैसे प्लेयर है भाई। ये भी राशिद खान वाली एक्शन ही है। रेंदो कवर ड्राइव सही थी बट हाथ में थी यार। टारगेट इतना बड़ा नहीं है, 296 रन का टारगेट है तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेले फिर भी चलेगा, ठीक है। कम ऑन। ओके बहुत अच्छा शॉट, डबल मिल सकता है मिस फील्डिंग की वजह से हमें। सुंदरा साहा आ गया अभी, कम ऑन। इसके सामने ही हमने पहला चौका लगाया था और दूसरा चौका भी इसके सामने ही हमें मिलेगा। सेम शॉट था बट इस बार डायरेक्शन थोड़ी अलग थी और 50 पार्टनरशिप हो चुकी है मेरी और वेंस के बीच में। एस कॉल आ गया, अच्छा ये सिद्धार्थ कॉल है, सिद्धार्थ कॉल वर्सेस मी। और पहली बॉल पे तो सिंगल चुरा लिया है मैंने भाई। अगर हम सिद्धार्थ कॉल के सामने थोड़े रन बनाएंगे तो मज़ा आएगा ब्रो। ओके बहुत सही बॉल, लास्ट बॉल है सिद्धार्थ कॉल की, लेट्स सी। ओके चलो भाई आखिरी बॉल पे सिंगल चुरा लिया मैंने 17 ओवर के बाद में। 84 पे 3, साहा आ चुका है अभी बॉलिंग करने के लिए। कम ऑन शॉट भाई, भाई 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 शॉट तो सही था बट टाइमिंग बहुत ख़राब थी। ओके 2 रन ही मिलेंगे। तीसरी बॉल, एक बार फिर से नज़ाकत का उपयोग बट अगेन चौका नहीं मिलेगा। स्टेमिना तो इस बार भी लो है हमारी। सिद्धार्थ कॉल के ओवर की लास्ट बॉल एंड इस बार तो मैं बाल बाल बचाऊँ भाई। अभी मैं अटैक तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा स्टेमिना बहुत ही लो है, अच्छे से शॉट भी नहीं लगेगा। वेंस को ही करना होगा अभी, मैं तो उसको स्ट्राइक चेंज कर दूंगा। यार फ्लिक लग जाता है यहाँ पे। ओके भाई वेंस की 50 हो चुकी है, नाइस। हमारी 50 कब होगी हमें पता नहीं है। सिंगल डबल ही खेलेंगे हम लोग, इजी सिंगल। वैसे इस बार भी मैंने 50 लगा दी तो लगातार 3 50 हो जाएगी मेरी। आखिरी 3 मैच से मैं 50 बना रहा हूँ। ओके स्मिथ आ गया भाई, कम ऑन स्मिथ। ओहो अच्छा शॉट है, भाग लो भाई, नाइस। 296 का टारगेट है भाई, अभी मैं सोच रहा था कि 196 का है, नहीं 296 का है। थोड़ा अटैक करो, मैं नहीं करूँगा भाई, सामने वाले को करना है तो करेंगे, मुझे नहीं करना है। हाँ मतलब ये बोल रहा हूँ कि मेरी 50 हो जाएगी उसके बाद मैं कराऊँगा, एक ही रन चाहिए। क्या इस बॉल पे हो पाएगी? ओके चलो बढ़िया फ्लिक के साथ में 50 हो चुकी है, नाइस। लगातार 3 मैच में 3 50, 51 बॉल पे 50 रन, 98 की स्ट्राइक रेट से। इस बार भी ओनली 2 चौके ही लगाए मैंने। चलो भाई अभी मैं हर बॉल पे अटैक करने वाला हूँ, स्टेमिना बहुत कम है, लेट्स सी। ओके बढ़िया शॉट, फील्डर को क्लियर करेगा। तीसरा चौका हमें एक बार फिर से नहीं मिलेगा, 2 रन ही मिले।
अबे यार लेट हो गया, शॉट आउट हो जाऊंगा मैं। अरे 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 भाई भाई भाई, मुझे लगा कि मैं आउट हो जाऊंगा, बट ये पाजी ने कैच छोड़ दिया है। ये देखो भाई, स्मिथ बॉलिंग कर रहा था, गुड लेंथ की बॉल डाली, टाइमिंग भी अच्छी हुई थी, बट इतनी अच्छी नहीं हुई थी कि क्लियर कर जाए बाउंड्री को। ये फील्डर के लिए बहुत ही ईजी कैच था। ये देखो भाई भाई भाई, बहुत ईजी कैच ड्रॉप कर दिया है ब्राउन ने भाई। बॉल के सामने मतलब देखता ही रह गया, और बॉल ऊपर से चली भी गई। ये देखो भाई, वाहू ब्रो, क्या ही यूनिक कैच ड्रॉप किया है इसने। भाई मेरा यही होता है, जब भी मुझे आउट होना है तब मैं नहीं होता हूँ, जब भी नहीं होना है तब मैं हो जाता हूँ। पता नहीं भाई ये कैसे होता है मेरे साथ ही। That's a real shame. That was a brilliant innings. क्या हुआ? Really was heading towards something special. हाँ? A good wicket to take at this stage. भाई देखने दो, ये आउट था? नहीं था भाई, हुआ क्या? रिटायर्ड हट आउट हो गया मैं। पहली बार मैंने क्रिकेट 24 माई करियर मोड में ऐसा देखा है कि मैं रिटायर्ड हट आउट हो गया। स्टेमिना बहुत लो थी इसलिए शायद इंजर्ड हो गया हूँ मैं शायद। हाँ रिटायर्ड हट ही हूँ मैं भाई। ये नहीं चलेगा यार, गेम वालों ने मेरे साथ में यार ये किया। लगातार पांचवा मैच भी हम लोग हार गए, और हमारा कैच ड्रॉप करने वाला ही प्लेयर ऑफ द मैच बना। देखो भाई 58 रन मैंने आउट बनाए। चलिए गुरकीरत सिंह मान ने 124 रन नॉट आउट बनाए थे। चलिए बाहर निकलते हैं हम लोग। कब अवेलेबल हो गए वो पता नहीं है मुझे। यस यस ठीक है, ये मैच तो हम लोग नहीं खेलने वाले हैं ठीक है भाई, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के है, स्किप करेंगे। सो यब भाई, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।